हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे 4440 बोर्ड का फुल वायरिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके लिए हमें बहुत सारे कलर के तार चाहिए होंगे, मैंने यूज़ किए हैं आप लोगों को ठीक से समझाने के लिए। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक 3 और 3 6, टोटल यहाँ पर 12 पॉइंट्स हैं, 6 लेफ्ट चैनल के लिए और 6 राइट चैनल के लिए। और दोनों चैनल में ही 3 है बेस के लिए और 3 है ट्रेवल के लिए। तो चलिए पहले बेस पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं। अब दूसरे चैनल के बेस पॉइंट्स को भी जोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों चैनल्स के पॉइंट्स में जो कलर सीक्वेंस है वो पूरे के पूरे सेम रखे हैं। इससे बहुत ही आसानी होती है वायरिंग करने में। तो चलिए अब ट्रेवल पॉइंट्स को भी जोड़ लेते हैं। इनका भी कलर सीक्वेंस सेम रखूंगा मैं। तो यहाँ पर हमें 2 बेस पॉइंट्स मिल गए हैं और ये जो बाकी 2 है, ये 2 है इसका ट्रेवल पॉइंट्स। हमें इन दोनों को एक 6 पिन वाले पोटेंशियोमीटर से जोड़ना पड़ेगा। इससे हम दोनों चैनल्स के बेस और ट्रेवल को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए उससे पहले इसके वॉल्यूम के जो पॉइंट्स है उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब इस वॉल्यूम पॉइंटर के साथ पहले पोटेंशियोमीटर जोड़ लेते हैं। पोटेंशियोमीटर के एक तरफ के जो 2 पिन हैं उन दोनों पिन्स को आपको एक साथ जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसे जोड़ दीजिए पहले। यहाँ पर टोटल 5 है, दोनों तरफ 2-2 है और बीच में जो काला तार है यही है इसका ग्राउंड। तो हमें वहाँ पर इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब बाकी बचे तारों को मैं जैसे जोड़ रहा हूँ आप भी वैसे जोड़ दीजिए। अब बारी है बेस पॉइंट्स को जोड़ने का।
इनको आपको कलर के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा। बीच में येलो है, बीच में येलो लगाएंगे और दो साइड में एक ग्रीन और अलग साइड में रेड, जैसा है वैसा ही लगाना है आपको। और नीचे की तरफ भी वही सेम कलर लगाना पड़ेगा जो जो कलर ऊपर की तरफ है। कनेक्शन हो जाने के बाद अगर आप देखते हो कि साउंड कम करने से वो बढ़ रहा है, तो फिर आपको ये जो साइड के एक तरफ ग्रीन है और एक तरफ रेड है, इनको इंटरचेंज कर देना पड़ेगा। यह तो हो गया, अब ट्रेवल पॉइंट्स को भी जोड़ लेते हैं। इन तारों को भी आपको पहले की तरह कलर के हिसाब से लगाना पड़ेगा। इन तारों को भी आपको कलर के हिसाब से ही लगाना पड़ेगा। ऊपर की तरफ जो जो तार लगे हैं, नीचे की तरफ भी वही कलर के तार लगाने पड़ेंगे। ये सारे तो कंप्लीट हो गए, तो अब बारी है पावर कनेक्शंस को लगाने की। तो यहाँ पर है इसका एसी इनपुट। अगर आप इस पोर्ट को डीसी इनपुट से लगाते हैं, तो कैपेसिटर के प्लस और माइनस से यहाँ पर आपको इनपुट देना पड़ेगा। तो अब बारी है स्पीकर्स के आउटपुट को लगाने की। तो एक हुआ हमारा लेफ्ट चैनल और दूसरा वाला हुआ राइट चैनल। तो अब है आखिरी स्टेप इसका इनपुट। तो यहाँ से इसका इनपुट लगेगा। ये वाला है राइट चैनल, ये वाला है लेफ्ट चैनल और ये ब्लैक वाला है इसका ग्राउंड। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।